क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया? जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लेकर आए थे? जो खो दिया तुमने, क्या तुमने पैदा किया था? जो खो दिया तुमने, तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यही से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथी यहाँ पर आए थे, खाली हाथी जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो वही दूसरे सर दरिद्र ए भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क, वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है।